हाय गाइस, टेक्निकल शाबे चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने एमसेंट ब्राउज़र के पॉइंट को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा सकते हैं कुछ सिंपल से स्टेप को फॉलो करने के बाद में। गाइस, अगर आप एमसेंट ब्राउज़र यूज़ करते हैं तो मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने एमसेंट ब्राउज़र के पॉइंट को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ यानी बढ़ा सकते हो कुछ सिंपल से स्टेप को फॉलो करने के बाद में। गाइस, अगर आप एमसेंट ब्राउज़र को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो मैं एमसेंट ब्राउज़र का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। आप उस लिंक को फॉलो करने के बाद में भी एमसेंट ब्राउज़र को डाउनलोड कर सकते हैं और इस पर बहुत ही ज़्यादा कॉइन बढ़ा सकते हैं और अपने मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। चलिए गाइस, हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कैसे आप अपने एमसेंट ब्राउज़र के पॉइंट को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। गाइस, सबसे पहले आपको यहाँ पर इन 3 लाइंस पर क्लिक कर लेना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर इस सेटिंग के आइकन पर क्लिक करना होगा और आपको यहाँ पर प्राइवेसी में जाना होगा। गाइस, आपको यहाँ पर डू नोट ट्रैक पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर इसको ऑन कर देना होगा। गाइस, आपको आप जितने भी यहाँ पर अपने कॉइन को यानी अपने पॉइंट को इंक्रीज़ कर लेंगे, बढ़ा लेंगे, तो आपको यहाँ पर एमसेंट ट्रैक नहीं कर सकता। चलिए इसको बैक कर लेते हैं। गाइस, उसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ सिंपल से स्टेप को और फॉलो करना पड़ेगा जिसकी वजह से आप अपने एमसेंट ब्राउज़र के पॉइंट को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। गाइस, आपको यहाँ पर 6517 पॉइंट देखने को मिल रहे होंगे। गाइस, आपको यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर वेबसाइट देखने को मिल रहे होंगे ऊपर। चलिए यहाँ पर मैं किसी वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ और आपको भी उसको ओपन कर लेना है। गाइस, आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, मैं कई सारे स्टेप बताने वाला हूँ एंड कई सारी टिप्स देने वाला हूँ आपको। उन सारी टिप्स को यूज़ करने के बाद में आप बहुत ही ज़्यादा पॉइंट को इंक्रीज़ बढ़ा कर सकते हैं यानी बहुत ही ज़्यादा बढ़ा सकते हैं अपने पॉइंट को। चलिए यहाँ पर मैं इस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। इस तरह से आप अपने किसी भी वेबसाइट को यानी जो भी आपके सामने यहाँ पर वेबसाइट एमसेंट में देखने को मिल रही है उनमें से किसी भी एक वेबसाइट को ओपन कर लीजिए। जैसे आपकी वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाती है एमसेंट में तो आपको क्या करना है, आपको इसको ना बार बार रिफ्रेश करते रहना है। जैसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर रहा हूँ, आपको भी इसको रिफ्रेश करते रहना है। आपको यहाँ पर बार बार रिफ्रेश करते रहना, जितना इसको रिफ्रेश करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके पॉइंट बढ़ते रहेंगे। आप यहाँ पर इसको बार बार रिफ्रेश करते रहिए। इसकी परमिशन को चलिए अब हम बैक कर लेते हैं और मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारे इन कुछ ही सेकंड में यानी 5 से 10 सेकंड में मेरे कितने यहाँ पर पॉइंट बढ़ चुके हैं अब तक यहाँ पर। चलिए इसको बैक कर लेता हूँ। गाइस, मैंने उस वेबसाइट को ओपन करने के बाद में कुछ ही सेकंड में वहाँ पर उस वेबसाइट को रिफ्रेश किया और मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉइंट मिल चुके हैं। चलिए यहाँ पर और भी मैं किसी वेबसाइट को ओपन करने के बाद में आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ और हमें कितने पॉइंट मिलने वाले हैं। यहाँ पर 6675 पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। चलिए यहाँ पर मैं किसी एक और वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। गाइस, मैं इस वीडियो के एंड में आपको एक बहुत ही कमाल की एक लिंक देने वाला हूँ यानी एक वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ। उस वेबसाइट को आपको रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक रिफ्रेश होती रहेगी और आपके पॉइंट ऑटोमेटिक बढ़ते रहेंगे यानी इंक्रीज़ होते रहेंगे। आपको सिंपली उस वेबसाइट को ओपन करके रख देना है अपने फ़ोन को और आपकी वो जो वेबसाइट है ऑटोमेटिक रिफ्रेश होती रहेगी। मैं आपको इस वीडियो के एंड में उस वेबसाइट के बारे में बताऊँगा, आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। गाइस, मैं और भी बहुत सारी वीडियो लाने वाला हूँ इन टॉपिक्स पर कैसे आप अपने एमसेंट के पॉइंट को इंक्रीज कर सकते हैं बहुत ही सिंपल से स्टेप को फॉलो करने के बाद में। गाइस, हमारी जो वेबसाइट है यहाँ पर ओपन हो रही है। गाइस, इसके बाद में आपको यहाँ पर इसको भी रिफ्रेश करते रहना है। जैसे ही आपकी वेबसाइट यहाँ पर फुल ओपन हो जाती है तो आपको इस वेबसाइट को भी रिफ्रेश करते रहना है। जितने भी आप इसको रिफ्रेश करेंगे उतने ही आपके पॉइंट इंक्रीज होते रहेंगे एमसेंट ब्राउज़र के अंदर। अगर आप ऐसी किसी वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद में उस वेबसाइट को जितना आपके पास टाइम हो उतना उसको रिफ्रेश करते रहिए और आपके पॉइंट उतने ही ज़्यादा बढ़ते रहेंगे। गाइस, अगर मैं इस वीडियो में आपको रिफ्रेश करके दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको जल्दी से ही कुछ थोड़ा बहुत रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ और हम चेक कर लेते हैं हमारे पॉइंट कितने बढ़े हैं। यहाँ पर चलें इसको, यहाँ पर फिर से हम होम पर चले जाते हैं। गाइस, आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं हमारे कितने पॉइंट यहाँ पर इंक्रीज़ हो गए हैं आपके सामने लाइव। मैंने कुछ
कुछ ही सेकंड यहाँ पर इन वेबसाइट पर आने के बाद इनको रिफ्रेश किया और मेरे कितने पॉइंट यहाँ पर बढ़ चुके हैं। चलिए गाइस अब हम बात करते हैं एक और वेबसाइट के बारे में। गाइस मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उस जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ सिंपल से स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा आपको। चलिए पहले मैं सबसे पहले इस सेंड ब्राउज़र को मिनिमाइज कर देता हूँ। गाइस ये जो लिंक है मैंने अपने व्हाट्सएप में सेंड कर रखा है, मैं इस लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे आप उस लिंक पर यानी इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके ब्राउज़र का आइकन देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर अपने एमसेंट ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। जैसे आप अपने एमसेंट ब्राउज़र को ओपन करते हैं तो ये जो ब्राउज़र यानी ये जो लिंक है आपके एमसेंट ब्राउज़र में ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। और गाइस ये जो वेबसाइट है ऑटोमेटिक रिफ्रेश होती रहती है, आपको जो आपके स्क्रीन पर लॉक लगता है उस स्क्रीन पर के जो लॉक है आपको उसका टाइमिंग बढ़ा देनी है। आपको जैसे एक सेकेंड जैसे आपका 15 सेकेंड में, एक मिनट में, आधा मिनट में आपको फ़ोन का लॉक लग जाता है तो आपको लगभग 10 मिनट का उसका टाइम बढ़ा देना है। और ये और आपको इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद में अपने एमसेंट में इसको रख देना है फ़ोन को। ये वेबसाइट ऑटोमेटिक रिफ्रेश होती रहेगी और आपके पॉइंट ऑटोमेटिक इंक्रीज होते रहेंगे। आप इस तरह से इन सिंपल से स्टेप को फॉलो करने के बाद में अपने एमसेंट ब्राउज़र के पॉइंट को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो यानी बढ़ा सकते हो। गाइस मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बताने वाला हूँ यानी कई सारी वीडियो लाने वाला हूँ इन टॉपिक पर, आपको कैसे आप अपने पॉइंट को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा सकते हो। गाइस और आपके सामने ये ऑप्शन नहीं आता है यानी आपका जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं और आपके सामने यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं आता है यानी कोई भी ब्राउज़र यहाँ पर ओपन नहीं होता है। आपका जो आपने बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर रखा हो कोई भी ब्राउज़र आपको वो ब्राउज़र ओपन हो जाता है। तो मैं उसके लिए भी आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ। जैसे मान लो आप जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं और आपका कोई भी ब्राउज़र ओपन हो जाता है यानी एमसेंट को छोड़ने के बाद कोई और ब्राउज़र ओपन हो जाता है तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर उस लिंक को कॉपी कर लेना है, आपको यहाँ पर पूरा इस लिंक को सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में इस लिंक को कॉपी कर लेना है। जैसे आप इस लिंक को कॉपी करने के बाद में आपको मिनिमाइज़ कर देना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर एमसेंट ब्राउज़र में जाना है। और उसके बाद में आपको यहाँ पर सर्च में उस लिंक को डाल देना है, आपको यहाँ पर उस लिंक को पेस्ट कर देना है और उसके बाद में इसको सर्च कर देना है। आपकी वेबसाइट यहाँ पर एमसेंट ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी और ये हर कुछ सेकंड के अंदर अंदर ऑटोमेटिक रिफ्रेश होती रहेगी और आपके पॉइंट इंक्रीज होते रहेंगे। अब गाइस आप इन सिंपल से स्टेप को फॉलो करने के बाद में अपने एमसेंट ब्राउज़र के पॉइंट को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा सकते हो और अपने मोबाइल के रिचार्ज को कर सकते हो। इसमें कुछ टास्क दिए होते हैं, आप उन टास्क को यूज़ करने के बाद में अपने मोबाइल के रिचार्ज को कर सकते हो। गाइस आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।